नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको ये हैंडल लगाना सिखाएंगे। दोस्तों देख पा रहे हैं, ये जो हैंडल होता है इसको आपको अगर ड्रावर में लगाना है तो इसको किस तरीके से लगाएं और उसका सेंटर किस तरीके से निकालते हैं। कभी कभी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि किस तरीके से इसका सेंटर निकाला जाता है, जो इसका प्रॉपर वे होता है। तो चलिए फिर दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको प्रॉपर सिखाते हैं किस तरीके से इसका सेंटर वगैरह निकालें। तो चलिए फिर दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, वीडियो में चलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा ड्रावर है, इस पर दोस्तों हम ये हैंडल्स को लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों, हम अगर आपने लेमिनेट वगैरह यहाँ पर लग गया है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक सेंटर में ऐसा एक एब्रो टेप लगा देना है। दोस्तों देख पा रहे हैं, ये जो हमारा मास्किंग टेप होता है इसको इस तरीके से सेंटर में लगा देंगे दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों, ये जो हमारा हैंडल है इसका साइज़ निकालेंगे इसको सेंटर में लगाने के लिए। दोस्तों इसमें जो दोस्तों ये दोनों जो होल होता है इसका दोस्तों इस तरीके से माप करेंगे इसके सेंटर टू सेंटर। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, ये हमारा ये 4.25 इंच आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको यहाँ से लेके और यहाँ से लेके सेंटर सेंटर में माप कर लेना है। आपका हैंडल बड़ा या छोटा हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे ये 4.25 इंच है। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको दोस्तों एक पेंसिल लेना है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों आपको एक छोटा सा टेप लगा देना है लगभग यहाँ से 4.25 इंच तक का। तो उसके बाद दोस्तों एक किनारे से हम यहाँ पर 4.25 इंच का मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हमारा एरिया है उसको हम लोग इस तरीके से माप लेंगे। दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये 17 इंच में एक सूत कम है। तो इसको दोस्तों सिंपली हम लोग इसको आधा कर लेंगे। तो अभी हम लोग इसको आधा कर लेते हैं। तो ये दोस्तों लगभग हमारा ये 8.5 इंच में आधा सूत कम आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से एक दाग लगा देंगे। आप चाहें तो इसका मेजरमेंट किए थे दोस्तों, तो यहाँ से भी दोस्तों आप 4.25 इंच पर मार्क कर सकते हैं। बट अच्छा ये रहेगा कि दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से हैंडल को रख लेना है। दोस्तों आपको इस तरीके से हैंडल रखने के बाद यहाँ पे सेंटर टू सेंटर एक मार्क कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आप दोबारा यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर है या नहीं है। एक बार चेक करने के बाद दोस्तों देख पा रहे हैं हमारा प्रॉपर है। तब दोस्तों यहाँ से हम लोग इस ड्रावर का सेंटर निकालेंगे। दोस्तों देख पा रहे हैं, ये हमारा 8 इंच में एक सूत कम है। तो दोस्तों सिंपली हम लोग यहाँ पे 4 इंच में आधा सूत कम करेंगे, मार्क कर लेंगे इस तरीके से। दोस्तों देख पा रहे हैं, इसके बाद दोस्तों हम लोग इसको एक कील से या फिर आपके पास पंच है तो इस तरीके से पंच कर लेना है यहाँ पर। और सिंपली ये हमारा ड्रिल मशीन है, इसमें दोस्तों ये हमारा 316 का जो हमारा लकड़े का बिट होता है उसको यूज़ करना है आपको। और इस तरीके से अभी दोस्तों हम लोग इसको अभी दोस्तों हम लोग इसको यहाँ पे होल कर चुके हैं और इसको हम लोग इसमें टाइट करेंगे इसको इस तरीके से, जो हमारा 1 इंच का इसका बोल्ट आता है उसको पीछे से लगा देंगे दोस्तों। और इसको टाइट कर देंगे दोस्तों।
ये हैंडल लगाने का तरीका दोस्तों बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप भी बड़ी आसानी के साथ हैंडल लगा सकते हैं और प्रॉपर लगा सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा हैंडल लग करके रेडी हो चुका है, दोस्तों देख पा रहे हैं। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।